रोहित शेट्टी का शो खतरों के खिलाड़ी 12 टीवी पर धूम मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शो की शूटिंग इन दिनों केप टाउन में चल रही है, जिसके लिए रुबीना दिलेक, प्रतीक सहजपाल, फैसल शेख, राजीव बदाते और निशांत भट्ट जैसे स्टार्स वहां पहुंच चुके हैं। खतरों के खिलाड़ी 12 से जहां अनेरी बजानी, एरिका पकार्ड और शिवांगी जोशी की छुट्टी हो गई है, तो वहीं कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे भी हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साबित हुए हैं। उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें टॉप 5 में उनके शामिल होने की उम्मीद भी बढ़ गई है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इस वीडियो में उन स्टार्स पर जो अपनी दमदार परफॉर्मेंस से टॉप 5 में नाम दर्ज करा सकते हैं। खतरों के खिलाड़ी 12 में रुबीना दिलेक सबसे मजबूत कंटेस्टेंट बनकर सामने आई है। यहाँ तक कि राजीव दातिया ने भी अपने एक इंटरव्यू में रुबीना को मास्टरमाइंड बताया था। इनके अलावा श्रुति झा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। उन्होंने बताया था कि वो बिना डरे सभी स्टंट करती हैं। रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी 12 में प्रतीक सहजपाल अपनी दमदार परफॉर्मेंस से टिके हुए हैं। ऐसे में उनके टॉप 5 में आने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। प्रतीक सहजपाल को हाल ही में हुए एक टास्क के लिए टीम का कैप्टन भी बनाया गया था। वेल, आपको बता दें कि प्रतीक सहजपाल बिग बॉस 15 के फिनाले तक पहुंचे थे। खतरों के खिलाड़ी 12 में रहते हुए फैजल शेख भी लगातार दमदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैजल शेख और फैजो ने कई टास्क जीते भी हैं। ऐसे में फैंस लगातार उनके टॉप 5 में शामिल होने की उम्मीद कर रहे हैं। रोहित शेट्टी के शो की खिलाड़ी जन्नत जुबैर अपने फैंस की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरी हैं। खुद फैजल शेख ने भी अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें खतरों के खिलाड़ी 12 में जन्नत जुबैर का बिल्कुल अलग अंदाज देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो बिना डरे और बिना किसी परेशानी के सभी स्टंट करती हुई दिखाई दे रही हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान शो के होस्ट रोहित शेट्टी ने शो के टॉप 5 कंटेस्टेंट पर भी चुप्पी तोड़ी थी। फिल्म मेकर ने कहा था कि इस टाइम ये कहना मुश्किल है कि कौन विनर होगा और कौन टॉप 5 में अपना नाम लिखवाएगा। शो में सभी कंटेस्टेंट ने लाजवाब परफॉर्मेंस दी है। वेल, आप किस कंटेस्टेंट को टॉप 5 में देखना चाहते हैं और आप किस सलाब को इस शो की ट्रॉफी जीतते हुए देखना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।